अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर कांग्रेस पार्टी ने डीजल पेट्रोल के बढ़ते हुए मूल्य वृद्धि के खिलाफ राष्ट्रव्यापी प्रतीकात्मक विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस जिलाध्यक्ष ने कहा कि देश में बढ़ती महंगाई बेलगाम हो गई है। महामारी के बीच में जहां क्रूड ऑयल के दाम घटे हैं, दूसरी ओर डीजल एवं पेट्रोल की कीमतों में जबरदस्त उछाल प्रतिदिन देखने को मिल रहा है। ईंधन की कीमतों में ऐतिहासिक और निरंतर वृद्धि ऐसे समय में हो रही है जब हर नागरिक कोविड की दूसरी लहर के कारण लॉकडाउन से जूझ रहे हैं, वहीं मोदी सरकार आपदा में अवसर तलाश रही है। ईंधन की कीमतों में बेतहाशा मूल्य वृद्धि को तत्काल वापस लेने की मांग करते हुए टावर चौक और रेलवे स्टेशन पास पेट्रोल पंप पर विरोध दर्ज किया और मोदी सरकार के खिलाफ नारे लगाए। केंद्र सरकार से तत्काल मूल्य वृद्धि को वापस लेने की मांग किया। देवघर से गुड्डू। 40 बार पूरे इस साल में पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ाया गया है। हर दिन के हिसाब से मैं समझता हूँ कि ये घंटे के हिसाब से दाम बढ़ा रहे हैं। अब 47 बार अगर एक महीने में दाम बढ़ता है तो घंटे के हिसाब से बढ़ रहा है। सरकार को जरा सा शर्म नाम की कोई चीज़ नहीं है। ये आपदा में अवसर निकाल रहे हैं कि अभी लोग अपनी जान बचाने पे हैं और इस वक्त कोई विरोध नहीं करेगा, ना जनता करेगी ना विपक्ष करेगा। क्या स्थिति है? इस महंगाई का असर, पेट्रोल डीजल का असर पूरे सभी खाद्य पदार्थों में हो रहा है, ढुलाई में हो रहा है और जिसके चलते किसान का पटवन भी मारा जा रहा है। इसलिए हम इसका कड़े शब्दों में विरोध करते हैं। सड़क से लेकर संसद तक हम इसका विरोध करेंगे कि पेट्रोल डीजल के नाम पर जिस पर सत्ता में बैठने का मोदी सरकार ने काम किया था, उसी पेट्रोल डीजल आपको गद्दी से उतारने का काम करे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल वाले बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।